गाड़ी चोरी करने आए बदमाशों ने गांव के सरपंच पर गोली चला दी और सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई। मामला भिवानी के साथ लगते दादरी जिले के गांव खड़ोदी का है। बीती रात चार बदमाश गाड़ी चोरी करने के मंसूबे से गांव में घुसे और गांव के सरपंच अनिल से गाड़ी छीन ली, जिसके बाद सरपंच ने गांव के लोगों के साथ मिलकर बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने सरपंच अनिल पर गोली चला दी। गोली लगने से सरपंच की मौत हो गई, जिसे गुस्साए गांव वालों ने बदमाशों पर हमला कर दो बदमाशों को तो पकड़ लिया, लेकिन बाकी के दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सामान्य अस्पताल भेज दिया। गांव वालों ने दोनों बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही भागे हुए दो आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने भिवानी दादरी झुंझुनू जिले की सीमाओं को सील कर दिया। सरपंच की मौत से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं सरपंच और गांव वालों की बहादुरी को देखते हुए विधायक सुखबीर मांडी ने हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रामीणों को सम्मानित करने और सरपंच के परिवार को 10 लाख रुपए देने की बात कही। शाम को स्कॉर्पियो बदमाश थे, उन्होंने पहले तो यहाँ भिवानी दादरी रोड पे एक फैक्ट्री में वारदात करने की कोशिश की थी। उसके बाद ये अड़ोती साइड आगे चले गए थे। अड़ोती का सरपंच था अनिल, उसके साथियों की उन्होंने क्रेटर गाड़ी खोसी। गाड़ी छीनने के बाद अनिल पीछे से आकर इनको पता लग गया, उसके उन्होंने उनका पीछा किया। पीछा करके दो आदमियों को काबू किया। उसमें फायरिंग में अनिल बदमाशों की फायरिंग में मारेगा। उसने बड़ा बहादुरी से प्रशासन की भी मदद की और बदमाशों को काबू करवाने में। एक जिस प्रकार की परिस्थितियों में ये सब हुआ, ये हमारे लिए और पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी एक गंभीर स्थिति है। और इसमें एक अनिल जो हमारे हड़ौदी गांव के सरपंच थे, वो अपराध हुए हैं, हमारे बीच में नहीं है। बड़ी बहादुरी से उन्होंने जिस प्रकार के ये लोग थे आपराधिक वारदातों में, संगीन वारदातों में इनका पहले भी नाम जुड़ा रहा है, ये जेल से भी जिस प्रकार की सूचना है कि वो भागे हुए मुजरिम भी थे और इन्होंने एक गाड़ी लूट के और भागने का प्रयास किया, तो बड़ी बहादुरी के साथ अनिल ने इनका सामना करते हुए और उनको रोकने की कोशिश की, जिसमें उसको गोली लगी और उसकी मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, क्योंकि इस परिवार के साथ, क्योंकि तीन विधवाएं इस परिवार में अब है, तीन छोटे बच्चे हैं, तो इस पूरे पीड़ित परिवार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की, पूरी सरकार की गहरी संवेदनाएं हैं और उनसे वार्तालाप हुआ है, हमारा उनसे बातचीत हुई है, तो उनकी तरफ से इस पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि के तौर पर और इस परिवार के जो तीन बच्चे हैं, दो बेटियां हैं एक बेटा है, तो उनकी किसी प्रकार की शिक्षा के अंदर उनकी समस्या नहीं आने दी जाएगी, जितना जब तक वो पढ़ना चाहेंगे समस्या नहीं आने दी जाएगी। और जिला प्रशासन की तरफ से भी, जिला एसपी की तरफ से भी इस वारदात के अंदर और इस घटनाक्रम के दौरान जिन भी साथियों ने बहादुरी का परिचय दिया है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो अनिल हैं हमारे बीच में आज नहीं रहे हैं जो, तो उनको भी बहादुरी का एक हम अपनी तरफ से रिकमेंड करके देंगे, ताकि सरकार उनको बहादुरी का जो सम्मान मिलना चाहिए वो भी उनको दे, क्योंकि जिस प्रकार की विषम परिस्थितियों में उसने इन हालातों में जो परिचय बहादुरी का दिया है, वो वाकई में सम्मान का हकदार है। और हम आज पूरे क्षेत्र की तरफ से और हमारी गहरी संवेदना इस पूरे परिवार के साथ है और इस दुखद घड़ी में हम इस परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार इनके साथ खड़ी है।